नोएडा अथॉरिटी के चीफ आर्किटेक्ट प्लानिंग प्रवीण श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप अमित मोहन पर, तो कार्रवाई आर्किटेक्ट प्लानर प्रवीण श्रीवास्तव पर क्यों? ये बड़ा सवाल है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन के खिलाफ रिकॉर्डिंग सामने आने पर कार्रवाई की गई है। क्लिप में अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन पर बिल्डर को परेशान करने की बात सामने आई थी। निजी वजहों से बिल्डर को परेशान करने की बात कह रहे थे चीफ आर्किटेक्ट प्लानर। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद सीईओ की कार्रवाई को गलत कह रहे थे। नोएडा सेक्टर 77 स्थित गृह प्रवेश प्रोजेक्ट में अथॉरिटी के सीईओ का है फ्लैट। बिल्डर ने सीईओ अमित मोहन पर लगाया था फ्री फ्लैट मांगने का आरोप और प्रोजेक्ट में अवैध निर्माण तोड़ने के बाद बिल्डर ने ये आरोप लगाए थे। 3 महीने में अथॉरिटी ने किसी पहले प्रोजेक्ट पर यह कार्रवाई की है। नोएडा में 72 प्रोजेक्ट डिफॉल्टर लिस्ट में शुमार है। अथॉरिटी का करीब 10,000 करोड़ बकाया है, लेकिन बाकी किसी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो नोएडा में 72 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डिफॉल्टर लिस्ट में शुमार हैं। अथॉरिटी का करीब 10,000 करोड़ भी बकाया है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक बाकी किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, नोएडा अथॉरिटी के चीफ आर्किटेक्ट प्लानिंग प्रवीण श्रीवास्तव को सस्पेंड किया गया है। आरोप अमित मोहन पर लगे थे, लेकिन कार्रवाई आर्किटेक्ट प्लानर प्रवीण श्रीवास्तव पर क्यों की गई? नोएडा अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बड़ी बात सामने आई है। बता दें कि अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन के खिलाफ रिकॉर्डिंग सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है। क्लिप में अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन पर बिल्डर को परेशान करने की बात सामने आई है। निजी वजहों से बिल्डर को परेशान करने की बात कह रहे थे चीफ आर्किटेक्ट प्लानर। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद सीईओ की कार्रवाई को गलत करार दे रहे थे, गलत कह रहे थे सीईओ की कार्रवाई को। नोएडा सेक्टर 77 स्थित गृह प्रवेश प्रोजेक्ट में अथॉरिटी के सीईओ का फ्लैट है, लेकिन बिल्डर ने सीईओ अमित मोहन पर फ्री में फ्लैट मांगने का आरोप लगाया था। प्रोजेक्ट में अवैध निर्माण तोड़ने के बाद बिल्डर ने ये आरोप लगाए थे। तो प्रोजेक्ट में अवैध निर्माण को तोड़ा गया था, उसके बाद ये आरोप लगे थे। 3 महीने में अथॉरिटी ने किसी पहले प्रोजेक्ट पर यह कार्रवाई की है। नोएडा में 72 प्रोजेक्ट ऐसे हैं आपको बताने की जो कि डिफॉल्टर लिस्ट में शुमार है। अथॉरिटी का करीब 10,000 करोड़ का बकाया जो है वो बचा हुआ है, लेकिन बाकी किसी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो नोएडा अथॉरिटी के चीफ आर्किटेक्ट प्लानिंग प्रवीण श्रीवास्तव को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड हो चुके श्रीवास्तव। आरोप अमित मोहन पर लगे हैं, लेकिन कार्रवाई आर्किटेक्ट प्लानर प्रवीण श्रीवास्तव पर क्यों? नोएडा अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये वो समाचार प्लस के सवाल है जो वाजिब सवाल है जिसे समाचार प्लस उठा रहा है। तो अमित मोहन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन के खिलाफ रिकॉर्डिंग सामने आने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्लिप में अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन पर बिल्डर को परेशान करने की बात सामने आई है। निजी वजहों से बिल्डर को परेशान करने की बात कह रहे थे चीफ आर्किटेक्ट पिलारा, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो बड़ी खबर, अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन के खिलाफ रिकॉर्डिंग सामने आने पर यह कार्रवाई हुई है। तो बिल्डर ने सीईओ अमित मोहन पर फ्री में फ्लैट मांगने का आरोप लगाया था। तो प्रोजेक्ट में अवैध निर्माण तोड़ने के बाद दरअसल बिल्डर ने ये तमाम आरोप लगाए थे। बिल्डर सामने आया था 3 महीने में अथॉरिटी ने किसी पहले प्रोजेक्ट पर यह कार्रवाई की है। बता दें कि नोएडा में 72 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डिफॉल्टर लिस्ट में शुमार है, डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल है। अथॉरिटी का करीब 10,000 करोड़ का बकाया है, लेकिन बाकी किसी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो गाज गिर गई चीफ आर्किटेक्ट प्लानिंग प्रवीण श्रीवास्तव पर। तो नोएडा सेक्टर 77 स्थित गृह प्रवेश प्रोजेक्ट में अथॉरिटी के सीईओ का फ्लैट है। तो बड़ी खबर, बिल्डर ने सीईओ अमित मोहन पर फ्री फ्लैट मांगने का आरोप लगाया था। तो प्रवीण श्रीवास्तव के सस्पेंशन पर दरअसल समाचार प्लस के कुछ सवाल हैं। आरोप अमित मोहन पर, तो कार्रवाई आर्किटेक्ट प्लानर प्रवीण श्रीवास्तव पर क्यों? अमित मोहन को क्यों नहीं किया गया सस्पेंड? ये बड़ा सवाल है। अमित मोहन को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? नोएडा अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन के खिलाफ ही रिकॉर्डिंग सामने आने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्लिप में अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन पर बिल्डर को परेशान करने की बात सामने आई है। बताने की निजी वजहों से बिल्डर को परेशान करने की बात कह रहे थे चीफ आर्किटेक्ट प्लानर। तो बड़ी खबर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद सीईओ की कार्रवाई को गलत कह रहे थे। नोएडा सेक्टर 77 स्थित गृह प्रवेश प्रोजेक्ट में अथॉरिटी के सीईओ का फ्लैट है, इनका फ्लैट है यहाँ पर, लेकिन बिल्डर ने सीईओ अमित मोहन पर, देखिए ये काफी गंभीर मामला है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह आत्महत्या की बात करता है तो निश्चित सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं इस पे जांच करानी चाहिए। और अगर
इस तरह की सीओ मनमानी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इन सब कार्यों में सरकार स्वयं लिप्त है। आप कल का न्यूज़पेपर और टीवी पे भी, कई चैनलों पे भी आया कि जब प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल के और सांसदों की बात करते हैं, उनकी बैठक लेते हैं, तो सांसद स्वयं मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और संख्या तक बना दी कि 3 मंत्री तो बहुत ज्यादा लिप्त हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो ये, और अगर वह किसी बिल्डर ने इस तरह का आरोप क्लिप के साथ लगाया है तो सरकार को उसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और उस सीओ को सस्पेंड करके उसकी जांच करवानी चाहिए। ये पहला उदाहरण नहीं है, ये पहला उदाहरण है जो एक अधिकारी के द्वारा संज्ञान में आ गया है। कि सरकार पूरी तरह से ऐसे कामों को अंजाम दे रही है, ऐसे अधिकारियों को प्रोत्साहित कर रही है। अधिकारी तो मोहरा है, इसके पीछे जांच का विषय ये है, इस अधिकारी के पीछे कौन सा मंत्री या सरकार, कौन से व्यक्ति हैं जो चंदा या धन उगाही की बात कर रहे हैं, धन उगाही करवा रहे हैं, ये बड़ा जांच का विषय है। निश्चित रूप से हम सब अगर सत्र चलता रहा इस प्रकरण को उठाएंगे और निश्चित रूप से ये जानना चाहेंगे कि उस अधिकारी के पीछे कौन लोग हैं, सरकार है या कोई मंत्री है, अधिकारी ने धन उगाही की बात किसके कहने पे की। अभय कुमार जी को जो उन्हीं ने बिल्डर हैं और जिस तरीके से वहाँ के ऊपर उन्हीं ने अपना काम किया है और सही किया है और अपना नक्शा और जो भी होता है वो सब अपना पास करा के किया है, तो नियमानुसार जो अगर किया है तो उनके ऊपर इस तरीके से मतलब धमकी देना है कि मतलब यह है कि तुम हमें इसमें फ्लैट दो और तुम हमें जो भी हो पैसा दो, इस तरीके की बात करना जो है ये तो सीधा ब्लैकमेल करना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कहा जाए कि अभय कुमार जी के साथ ऐसा नहीं हुआ, अगर इनके पार्टी के लोग कहते हैं तो फिर अभय कुमार जी ने अगर उसकी वीडियो क्लिप बना ली है तो उसको तो नाकार नहीं पाएंगे।